नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव जो होने जा रहा है उसके लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और ये कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिंपल यादव को अखिलेश यादव ने क्यों चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि इसके पहले जो चर्चाएं आम थी उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव के दूसरे भाई रतन सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव, जो कि 2014 में वहां से चुनाव जीते थे, उनके पिता रणबीर सिंह भी काफ़ी राजनीतिक रूप से एक्टिव थे, उनके नाम का ऐलान होने वाला था। आखिरकार कहाँ आकर के बात अटकी और अखिलेश यादव ने अपनी वो कसम क्यों तोड़ी जब रायपुर में उन्होंने ये कहा था कि यदि परिवारवाद की ही बात है तो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे। आजमगढ़ में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तब भी उन्होंने डिंपल यादव को नहीं उतारा, मैनपुरी में क्यों उतारा और क्या मैनपुरी में जेठानी वर्सेज देवरानी होगा, शिवपाल क्या देवरानी के साइड में हो जाएंगे, ये वो दो सवाल हैं जो राजनीतिक रूप से उठ रहे हैं। देखिए है क्या कि चाहे परिवार में कोई कितना भी नज़दीकी हो, जब बात आती है राजनीतिक विरासत की तो अखिलेश यादव उस मामले में समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। यदि वो समझौता कर लिए होते तो शिवपाल सिंह यादव अलग से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नहीं बनाते हैं। शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद शायद अखिलेश का थोड़ा मूड बदले और दोनों एक साथ आके काम करें, लेकिन ये गलती अखिलेश यादव ने नहीं की, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि चाचा शिवपाल यादव की बहुत ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और आगे चल करके दिक्कत होगी, लिहाजा उन्होंने चाचा पे कोई रहम दिली नहीं दिखाई। अब बात आई कि तेज प्रताप यादव और डिंपल यादव या धर्मेंद्र यादव में से कौन, तो धर्मेंद्र यादव अभी आजमगढ़ का उपचुनाव हारे हैं, लिहाजा उनका पत्ता तो इसलिए कट गया क्योंकि वो बदायूं में पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वहीं से चुनाव जीतते हैं और 2024 का चुनाव सामने हैं, इसलिए इस आधार पे उन्हें टिकट नहीं मिला। तेज प्रताप यादव को जो टिकट मिलने की उम्मीद थी, जिनकी पत्नी राजलक्ष्मी हैं जो लालू यादव की बेटी हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत का संदेश इस सीट से जाना है, यानी कि मैनपुरी पिता मुलायम सिंह यादव की सीट है और इससे संदेश जाता कि राजनीतिक विरासत किसके पास है। तो चूंकि अभी वो यहाँ के एक विधानसभा सीट करहल से जीते हैं, लिहाजा खुद तो नहीं लड़ सकते थे, ऐसे में कौन अपना था जिससे कि संदेश गड़बड़ ना जाए, तो उसी वजह से उन्होंने अपनी कसम तोड़ी और डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब बात आती है कि क्या यहाँ से अपर्णा यादव बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। कहते तो ये है कि अपर्णा यादव की हाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई थी और कहा गया था कि मैनपुरी से चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, अपर्णा यादव ने सोचने के लिए टाइम लिया था। इसके बाद बात अभी तक कुछ खुल करके नहीं आई है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, अपर्णा यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसे में जेठानी वर्सेज देवरानी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे में चाचा शिवपाल यादव की क्या भूमिका होगी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अपने बेटे आदित्य के लिए भी है और मुलायम सिंह के निधन के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहने में कोई गुरेज नहीं दिखाई थी कि यदि समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। मैनपुरी से रिलेटेड जब सवाल पूछा गया तब भी उन्होंने होशियारी से टाल दिया कि उधर से फैसला पहले होने दीजिए। हाँ, एक बात उन्होंने ज़रूर स्पष्ट कर दिया कि शहरी निकाय का जो चुनाव होगा उसमें शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी, यानी कि संदेश अखिलेश यादव को साफ दे दिया कि यदि आप एडजस्ट नहीं करते हैं तो फिर हम भी चुनाव मैदान में होंगे। अब शिवपाल यादव के बयान का इंतजार है कि वो क्या कदम उठाते हैं और उधर से बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार है। यदि अपर्णा चुनाव नहीं लड़ती हैं तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी जो कि अखिलेश को वहाँ पे छका सके। दरअसल डिंपल यादव यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लड़ रहे हैं अखिलेश ही या और यादव कुनबा ही, क्योंकि यादव कुनबा कभी नहीं चाहेगा कि उसका गढ़ ये जो है कोई भेद पाए, इसलिए पूरा जोर लगाएंगे। तो देखते हैं कि कौन बीजेपी से उतरता है और शिवपाल यादव की क्या भूमिका होती है। बहरहाल एक बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक रूप से कोई गलत संदेश न जाए इसलिए अखिलेश यादव ने कसम तोड़ करके अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।